हेलो दोस्तों नमस्ते तो आज हम पुष्पा टू मूवी के फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप तक तो सबसे पहले पहुंचे तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो पुष्पा टू मूवी से पहले पुष्पा वन आ चुकी है जो की पुष्पा द रेइस नाम से मूवी का नाम है और पुष्पा टू मूवी पुष्पा द रूल पुष्पा द रूल मूवी से आ रही है तो इस वीडियो में हम पुष्पा के टू मूवी पुष्पा टू मूवी के फुल इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें यानी पुष्पा टू मूवी में क्या क्या किन इसकी इसने काम किया है तो इसके बारे में बात करेंगे पुष्पा टू द रूल इस मूवी का जो डायरेक्टर है सुकुमारन जी है पुष्पा टू मूवी का जो कहानी लिखा गया है सुकुमारन जी और श्रीकांत विसा जी ने लिखा है मतलब श्रीकांत जी विशा जी ने और सुकुमारन जी के द्वारा पुष्पा मूवी का जो है कहानी लिखा गया है इस मूवी का जो पुष्पा टू मूवी का जो प्रोड्यूसर है यानी तो टोटल तो हमें दो से तीन प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं जो की फर्स्ट नंबर पे है नवीन येनी और सेकेंड नंबर पे है यंचली रवि शंकर पुष्पा टू मूवी में हमें टोटल तीन से चार स्टारिंग देखने को मिलेंगे जो की अब मेन रोल और मेन एक्टिंग और एक्शन के तौर तो पर हमें देखने को मिलेंगे जो की सबसे फर्स्ट नंबर पे अल्लू अर्जुन सेकेंड नंबर फहद फासिल थर्ड नंबर पे रश्मिका मंदाना ये तीनों मूवी का ये तीनों जो एक्टर है इनका रोल मेन है पुष्पा टू मूवी में पुष्पा टू मूवी को जो एडिट किया गया है कार्तिक श्री निवास जी के कार्तिका श्री निवास जी के द्वारा किया गया है और रुबेन इस मूवी के भी दूसरे एडिटर हैं पुष्पा टू मूवी के जो म्यूजिक दिए गए हैं वो देवी श्री प्रसाद जी के द्वारा दिए गए हैं और पुष्पा टू मूवी के जो प्रोडक्शन कंपनी है वो माथ्री मूवी मेकर ने दिया है और दूसरा दिया है सुखमारन लेखन जी ने यानी जो कि इस मूवी के जो लेखक हैं उन्होंने भी दिया है और इसमें पुष्पा टू मूवी का जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी है इसमें ए ए फिल्म है पुष्पा टू मूवी का अल्लू अर्जुन के जन्मदिन वाले दिन रिलीज किया जाएगा यानी पंद्रह अगस्त दो हजार चौबीस में पुष्पा टू मूवी रिलीज किया जाएगा और इंडिया में रिलीज किया जाएगा और हिंदी और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा पुष्पा टू मूवी का जो बजट रहा है टोटल दो सौ से ढाई सौ करोड़ के बीच में रहा है